ये जया जी हैं जिनके साथ मैं अभी बैठा हुआ हूँ। तो ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रही हैं और ये जिन्होंने मुझे बताया कि ये बन फाइटर हैं, सर्वाइवर बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग फाइटर्स हैं, रियल में फाइटर हैं। तो इनके बारे में जानते हैं, तो दया जी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, हमारी जो हमारी ऑडियंस है उसके बारे में बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ पे वर्किंग हैं और कैसा लगता है आपको यहाँ पे नए नए लोगों से मिलना होता है, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि नए नए लोगों से आपको मतलब कैसे एक्सपीरियंस रहता है, और जो आप अगर आप अपना जो इंसिडेंट है वो हमारी टीम हमारे लोगों के साथ शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकता है, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जतिन ब्लॉग्स। आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग जगह में आए हुए हैं, लखनऊ की, और जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं इसको बोलते हैं शिरोज। मतलब ये जो लोकेशन है यहाँ पे वो लोग काम करते हैं जो एसिड अटैक फाइटर्स हैं। सर्वाइवर नहीं बोलूँगा मैं एसिड अटैक फाइटर्स उनको बोलूँगा कि वो इस सिचुएशन से लड़ रहे हैं और आज इस प्यारी सी लोकेशन पे काम कर रहे हैं। एक्चुअली शिरोज जो है ये कैफ़े है जो लखनऊ के विपुल खंड में पड़ता है, बिल्कुल अंबेडकर जो पार्क है उसके बिल्कुल सामने। तो आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, आज हम आपको मिलवाएंगे एसिड अटैक जो फाइटर्स हैं जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, कितने सालों से काम कर रहे हैं, और ये प्यारी सी लोकेशन हम आपको दिखाएंगे, काम करते हैं, और उनकी लाइफ के जर्नी के बारे में बताएंगे कि वो यहाँ तक जो आज आए हैं वो किस तरीके से आए हैं। तो ये जो लोकेशन है ये है शिरोज हैंगआउट, तो ये कैफ़े नहीं बोलेंगे हम, हैंगआउट बोलेंगे इसको, क्योंकि यहाँ लोग हैंगआउट करने आते हैं, इन लोगों से मिलने आते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये 8 मार्च 2016 को स्टार्ट हुई थी, आलोक दीक्षित जी हैं जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था, उन लोगों के लिए जिनके साथ मतलब एसिड अटैक्स का मतलब एक मैं क्या बोलूँ उस चीज़ के लिए, मतलब जो एसिड अटैक्स फाइटर्स हैं, सर्वाइवर नहीं मैं बोलना चाहूँगा उनको, जो एसिड अटैक्स फाइटर्स हैं वो इस चीज़ को आगे आए और यहाँ पे मतलब किस तरीके से काम कर रहे हैं उनको मतलब जैसे कि सभी लोग जानते हैं कि एसिड अटैक फाइटर्स जो होते हैं उनको मतलब काम मिलने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन ये स्टार्ट की गई है उन्हीं लोगों के लिए। तो ये मैम बैठी हुई हैं रिसेप्शन पे, तो हेलो बोल दीजिए मैम। तो अभी हम लोग आपको दिखाएंगे कि किस तरीके का यहाँ पे मतलब खाना मिलता है, या मतलब ब्रेकफास्ट या मतलब जो भी कैफेज में मिलते हैं, सैंडविचेस वगैरह, शेक्स वगैरह, और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हुए हैं जो यहाँ पे मतलब आज सैटरडे का दिन है तो लोग चिल करने आए हुए हैं, यहाँ पे फैमिलीज बैठी हुई हैं और यहाँ पे सर लोग वगैरह बैठे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसमें, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी लोकेशन है, और यहाँ पे सर लोग बैठे हुए हैं। सर आप कितने सालों से आप यहाँ पे आ रहे हैं, कुछ बताएंगे सर, ये आज पहली बार आए? नहीं नहीं, 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। कैसा माहौल है आपका, कैसा लगता है? अच्छा, अच्छा। सर्विस बहुत अच्छी है। सर्विस बहुत अच्छी। और लोग कैसे हैं सर? लोग से आपका क्या मतलब? मतलब जो एम्प्लॉइज, बाकी और लोग का क्या मतलब? एम्प्लॉइज भी अच्छा आता है। अच्छा सर, ब्लॉग ब्लॉग है, ब्लॉग है यूट्यूब पे सर? यूट्यूब पे ब्लॉग। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जगह। अच्छा, सबसे अच्छा ये है कि खुला है, खुली जगह लखनऊ में और कोई। अच्छा, इतनी खुली जगह। तो आप वीकेंड्स पे मतलब आते ही आते? थैंक यू सो मच सर। तो ये लोग देखिए, सर लोग बैठे हुए थे, वो वीकेंड्स पे यहाँ पे आते हैं एंजॉय करने के लिए, और यहाँ पे देख सकते हैं आप जैसे कि जो हीरोज हैं उनकी फोटोज भी लगी हुई हैं यहाँ पे, और इधर भी मतलब फैमिलीज हैं जो यहाँ पे हैंग आउट करने आई हुई है। तो चलिए अब हम आपको ये अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं यहाँ पे, तो अवार्ड वगैरह ये मिले हुए हैं जो यहाँ पे हीरोज हैं, जो फाइटर्स हैं वो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये अवार्ड्स वगैरह मिले हुए हैं। ये जया जी हैं जिनके साथ मैं अभी बैठा हुआ हूँ, तो ये काफ़ी दिनों से यहाँ पे काम कर रही हैं, और ये जिन्होंने मुझे बताया कि ये बन फाइटर हैं, सर्वाइवर बोलना अच्छा नहीं लगेगा, ये लोग फाइटर्स हैं, रियल में फाइटर हैं। तो इनके बारे में जानते हैं, तो दया जी आप अपने बारे में थोड़ा बताइए, हमारी जो हमारी ऑडियंस है उसके बारे में बताइए कि आप कितने दिन से यहाँ पे वर्किंग हैं और कैसा लगता है आपको यहाँ पे नए नए लोगों से मिलना होता है, तो उसका एक्सपीरियंस बताइए कि नए नए लोगों से आपको मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहता है,
और जो आप अगर आप अपना जो इंसिडेंट है वो हमारी टीम हमारे लोगों के साथ शेयर करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, मैं फोर्स नहीं करूंगा आपको। नहीं नहीं बिल्कुल कर सकते हो, और मुझे अच्छा भी लगता है कि कोई मेरे मतलब मेरे बारे में जानना चाहता है। जी जी जी। तो ये मैं 2018 से ज्वाइन की हूँ। अच्छा मतलब कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? पहले आजमगढ़। अच्छा जी। आजमगढ़ से। पहले क्या होता था कि मुझे आने में बहुत अजीब सा लगता था यहाँ पे भी, और मतलब मैं सोचती थी कैसे मैं यहाँ ज्वाइन करूँ। मुझे मतलब मैंने कई बार कई जगह प्रयास भी किया काम के लिए कि मतलब फेस की वजह से मुझे काम भी नहीं मिलता था जी। तो मैंने जब सिरोज के बारे में जाना तो मैंने मतलब यहाँ पे कोशिश की, तो मेरे एक एसिड अटैक सर्वाइवर थी तो उन्होंने मतलब आलोक सर से बात की, तो आलोक सर ने जब मुझे मतलब कि यहाँ पे बुलाया और उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा बेटा आप काम कर सकते हो यहाँ पे। अच्छा। मेरे लिए आप भी उतना ही बराबर हो जितना सब हमारे लिए सर्वाइवर है। अच्छा लगा उनकी बातें सुन के, तो मैंने तब से यहाँ 2018 से ज्वाइन की और नए नए लोगों से मिलने लगी और सर्वाइवरों से मिलने लगी, सभी लोगों से मिलने लगी, तो धीरे 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 मतलब एक्टिव होने लगी, मतलब बाहर निकलने लगी। नहीं तो क्या होता था ना, अंदर से मुझे डर लगता था, घुटन होती थी, मेरा चेहरा देख के लोग घूम ना जाए, मतलब ऐसा होता था कई बार, कई दफा हो चुका है, मतलब लोग चेहरे देख के पलट जाते थे, लोग डर जाते थे और कमेंट्स भी करते थे। अच्छा? तो लगता था, तो इसलिए लोगों के कमेंट सोच के या क्या सोच के मतलब एक होता था अंदर से कि मैं मतलब खुद ही डरती थी, चेहरे को ढक के चलती थी। अच्छा। मतलब मैंने 2011 से और 2017 तक मैंने अपने चेहरे को कवर करके चला है। अच्छा। बाहर खुल के नहीं, मतलब बाहर खुल के चले नहीं, जब से सिरोज ज्वाइन की तब से मैंने अपने चेहरे को मतलब ओपन किया है, और आज भी मैं अपने शहर जाती हूँ तो ओपन ही करके रहती हूँ। वहाँ जब मतलब वहाँ भी अभी भी लगता है, जब क्योंकि वहाँ पे लोग अभी इतने अवेयरनेस नहीं हुए हैं इस चीज को, तो वहाँ भी लगता अभी भी, लेकिन फिर भी मैं ओपन करके रहती हूँ वहाँ पे। अच्छा। हाँ, तो मतलब अब आपका जो मतलब झिझक थी वो दूर हो गई है, मतलब हो गई, लेकिन कहीं ना कहीं आ जाती, जब अकेले पढ़ती हूँ तब जैसे लगता है कि मतलब मैं बहुत अजीब सा हूँ। नहीं नहीं मैम ऐसा मतलब, लेकिन फिर अपने आप को मतलब समझाती हूँ ऐसा नहीं है, फिर मतलब कि ऐसे मतलब यहाँ से आना जाना हमारा रहता है और सभी लोगों से मिलना जुलना, और जब लोग नए लोग मिलते हैं बातें करते हैं तो जैसे लगता है कि हाँ कोई अपना सा है। अच्छा। और मतलब मुझसे पूछना चाहता है, जानना चाहता है मेरे बारे में, तो काफी अच्छा लगता है। तो इस इंसिडेंट को कितने साल हो गए अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? 2011 में मेरे साथ इंसिडेंट हुआ था और आज 2022 है, यानी 12 साल हो गए। तो मैम मतलब एक्चुअली क्या था कि मतलब किस वजह से आपके साथ ऐसा हुआ? मैं खाना बना रही थी, खाना बनाते वक्त मैं जल गई थी। अच्छा। घर में ही अपने खाना बनाते वक्त जल गई थी, उस समय जो है कि मतलब पूरा फेस मेरा मतलब पूरी बॉडी जल चुकी थी। अच्छा। 90% की मतलब जला हुआ पूरा शरीर, तो वहाँ मतलब मेरी मम्मी थी, उन्होंने पूरा काफी मेरा सपोर्ट किया और इलाज करवाया, काफी इधर उधर भाग दौड़ जो भी मतलब पैसे लगे इधर उधर से कर्जे लिए और जो भी जैसे किसी तरह करके उन्होंने मेडिकल कॉलेज में हमें मतलब सर्जरी के लिए यहाँ पे लाए, तो यहाँ काफी यहीं से मेरी बाकी सर्जरी 25 सर्जरी हो चुकी है। चलिए कोई नहीं मैम, आप मतलब आपकी स्टोरी ना, जो लोग जिनके साथ इस तरीके के इंसिडेंट होते हैं वो बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और सोसाइटी ऐसा होता हुआ था, मतलब मैं भी काफी डिप्रेशन में चली गई थी, फिर मुझे घर से बाहर निकलना बहुत ही काफी मतलब लगता था कि मैं ये सोचती थी काश मेरा जीना बेकार है, मतलब जब मैं पहली बार आईना देखी थी तो मुझे अपना चेहरा खुद को डर लगता था, लेकिन जब मैंने मतलब मेरी मम्मी थी जो मेरे सपोर्ट करती थी कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम मतलब ये कभी मत सोचना, मतलब कि मैं नहीं हूँ तो तुम्हारा कोई नहीं है, मतलब मम्मी की वजह से मतलब समझ लीजिए मेरी हिम्मत थोड़ी सी बढ़ी है। हाँ, क्योंकि मैं अपने चेहरे की वजह से मैं खुद सोचती थी यार काश मैं मर जाती तो अच्छा रहता। अरे ऐसा मत बोलिए। बट मैम काफी लोग होते हैं जो मैम डिप्रेशन की वजह से इस तरीके के इंसिडेंट्स के बाद मतलब डिप्रेशन की वजह से सुसाइड अटेम्प्ट्स कर लेते हैं। यस, मतलब होता है कि मैं ये नहीं कर सकती कि नहीं करते लोग, मतलब होता है मन में आता है कि यार जब चारों तरफ से मतलब होता है ना कि कोई कमेंट्स करता है, कोई कुछ कहता है, फिर मतलब देख के पलट जाता है, तो नॉर्मल लोगों के साथ अगर ऐसा होता है ना तो वो लोग भी कुछ मतलब दिमाग में सोचने लगते हैं, तो हम लोगों के साथ ऐसा हो चुका है, तो मतलब दिमाग इधर उधर चलता रहता है, अगर हम लोगों से अच्छे से कोई पेश आता है, अच्छे से बात करता है, तो हमारे मन की जो मतलब झिझक होती है, जो अंदर से डर होता है, वो खत्म हो जाती है, तो वो चीज़ हमको सिरोज में मिला है। सिरोज में चीज़ जब से मैंने ज्वाइन किया है लोगों ने मुझसे जिस तरीके से बात की, अच्छे से बात की,
की है और जिस तरीके से हमको ढाला है, हमको बाहर निकाला है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मतलब परफेक्ट मतलब जीने का तरीका है, लोकेशन भी है, प्लेस भी है, मतलब बहुत ही अच्छा है। मतलब हिम्मत आती है यार लोगों का सामना हम कर सके, जो आपसे हम बातें कर रहे हैं ये हम बातें नहीं कर पाते, कर पाते मैं समझ सकता हूँ, लेकिन वहाँ आने के बाद लगा कि हम बातें कर सकते हैं लोगों को देख देख के। हाँ बोल तो हम बात कर रहे थे, ऐसे हो कि हम क्यों नहीं बात कर सकते हैं। तो ये होता है मतलब कि यहाँ पे आने के बाद मुझे मतलब और हिम्मत मिली है और मैं आगे बढ़ने की सोचती भी कुछ करूँ, कुछ आगे और बढ़ूँ। सर लोग भी सपोर्ट करते रहते हैं मेरा कि हाँ आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ करेंगी तो हम आपके साथ हैं, मतलब अच्छा लगता है। तो मन को और करता है कि आप हमारे पीछे इतने लोग हैं सपोर्ट करने, हम क्यों नहीं आगे बढ़े। आप बिल्कुल मैम, मैंने जब इंटर में थी तभी मैं जल गई थी। अच्छा। हाँ, उसके बाद मैंने मतलब पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाई। वो मेरा मतलब एक था ना कि लोगों से देख के, मतलब वही कह रहे हैं बता रहे हैं कि जैसे लोग देखते थे अजीब सा ढंग से और कमेंट करते थे, बच्चे से मतलब ढेला मरवाते थे, चक्का मरवाते थे अगल बगल, अगर मैं बाहर निकल गई गलती से, मुँह नहीं ढका है तो लोग मतलब ऐसे कमेंट करते थे। कोई बात नहीं मैम, कोई अरे अब कोई दिक्कत नहीं है मैम। आप लोग मतलब इस तरीके के, अगर हमारे मेरे साथ भी कोई मतलब कुछ भी अजीब सा इंसिडेंट हो जाता तो मुझे बहुत टाइम लगता है उस चीज से निकलने में। और मैम आप इतनी बड़ी इंसिडेंट्स के बाद आज आप हमारे साथ हंस बोल रहे हो, बैठे हो, लोगों से मिल रहे हो और उनको सर्व कर रहे हो, ग्रीट कर रहे हो। और कुछ ऐसे भी लोग होंगे मैम जो आप लोगों से मतलब एक बार मिलने के बाद बार बार मिलने आते रहते होंगे। मतलब वो कहते कि आपको अभी कुछ फिलहाल में एक सर आए थे तो उन्होंने कहा था कि मतलब उनकी उनके घर में उनकी सिस्टर थी, वो शायद तेल से जल गई हैं। अच्छा। उनके चेहरे पे दाग सी हो गए तो उन्होंने देखा तो बोला कि आप लोगों को देख के तो मुझे बहुत मतलब हिम्मत आ रही है। और मेरी बहन है जो है वो बाहर नहीं निकलती, बस सिर्फ चेहरे पे हल्का सा दाग हुए तेल की वजह से। अच्छा। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे लाऊं, उसे मिलाऊं आप लोगों से। तो ऐसा मतलब कई लोग हैं जिनको किसी न किसी हादसे की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, शायद हम लोगों को देख के वो लोग बाहर निकले। बहुत इंस्पायरिंग है ये। मतलब मैं बोल तो रहा हूँ मैम, बहुत सारे हम जब देहरादून में थे ना, मैं अपने ग्रेजुएशन टाइम की बात बताता हूँ, एक लड़की पे ना एक लड़के ने एसिड फेंक दिया था उसके फेस पे, तो वो लड़की ना मतलब डिप्रेशन में चली गई, एट द एंड उसने सुसाइड कर लिया, वो नहीं फेस कर पाई इन सब चीजों को। तो मेरे सामने की जो इंसिडेंट है ना वो ये है। बट ये चीज अगर लोग देखेंगे जिनके साथ ये सब कुछ हो भी चुका है तो वो भी आप लोगों को देखेंगे तो वो भी इंस्पायर होंगे इस चीज के लिए, जब ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं, तो हम भी इंसान के बच्चे ना। तो चलिए मैम आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और बताइए मैम खाने मतलब खाना कैसा है यहाँ का? हमारे यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। मतलब अभी कल ही एक लोग आए थे पूरे लखनऊ में घूम के हमारे पास आए थे यहाँ पे, बोले कि हम हर जगह घूम के खा के आए लेकिन हमको हमारा पेट नहीं भरा, हमारी इच्छा नहीं भरा, हम चाहते हैं यहाँ पे आप मतलब कुछ ऐसा खिलाएं कि हमारा अच्छा लगे। तो वो आए थे सर यहाँ पे, मटर पनीर लिया था, रोटी लिया था, उन्होंने बस ज़्यादा नहीं खाया था लेकिन कम ही खाया था, बस उनको इतना अच्छा लगा था वो खुश होके गए थे, बोले कि हमको मतलब मैं चारों तरफ घूम लिया लेकिन मुझे पेट भर खाना नहीं खा पाया। अच्छा। मैं यहाँ आने के बाद ही मुझे अच्छा लगा। तो मतलब काफी यहाँ पे आपको देखिए आपके पास आ गया सैंडविच है, आप खा के खुद ही बताइए कैसा लगा। बिल्कुल। ये चॉकलेट से खाए और ये चीज सैंडविच, बताइए कैसा लगा, खुद ही आपको अनुभव होगा। और मैं चाहती हूँ सभी लोग मतलब हमारे जो हमें सुन पा रहे हैं, जो हमें जान पा रहे हैं, वो आए और यहाँ पे हम लोगों से मिले। और यहाँ पे जो भी चीज मतलब पनीर कॉर्नफिटर, हरा भरा कबाब है, टिक्का है, ये सभी काफी मेरे मतलब तो लोग काफी पसंद करते हैं, तो आप भी खा के देखिएगा अच्छा लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो आपका अपना कीमती टाइम देने के लिए मैम बहुत धन्यवाद। आपकी स्टोरी हमारे व्यूअर्स को इंस्पायर करेगी और जो लोग आपकी स्टोरी सुन रहे हैं या देख रहे हैं आपको तो वो भी इंस्पायर होंगे और मतलब इस चीज से उभरने में उनको भी हेल्प होगी। तो आपका जयदीप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। तो मैं आपको ये लिंक दूंगा वीडियो का, आप देखना। ठीक है, थैंक यू सो मच मैम। तो गाइज हमने ऑर्डर किया है चॉकलेट शेक और ट्राई करते हैं हम कैसा लगेगा चॉकलेट शेक सीरोज का। मजा आ गया गाइस। और ये जो हमने ऑर्डर किया है, ये ऑर्डर किया है चीज़ सैंडविच, बाकी यहाँ पे मतलब सारे आइटम्स मिलते हैं जो ब्रेकफास्ट में आपको अवेलेबल होते हैं और उसके साथ साथ लंच के लिए भी यहाँ पे मतलब है, आप लंच के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं। तो बड़ी प्यारी लोकेशन है, सामने अम्बेडकर पार्क है इतना प्यारा,
आपको दिखेगा नहीं, उधर की तरफ है थोड़ा, और इतने प्यारे लोग हैं यहाँ पे सब जिनके साथ हम आज आए। अब देखते हैं सैंडविच का टेस्ट कैसा है। मैम बता रही थी कि सैंडविच बहुत टेस्टी है यहाँ के, तो ये चीज सैंडविच है जो हमने ऑर्डर किया है, तो इसका टेस्ट देखते हैं आप कैसा है। एक नंबर। मैं बानी से भी बोलूंगा, टेस्ट करके बताओ। और चॉकलेट शेक की तो बात ही अलग है। तो चलिए बने रहिए जटन ब्लॉग्स के साथ, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे मिलते हैं। तो गाइस, जो आलोक जी हैं जिसने मतलब शिरोज की स्टार्टिंग की है, तो वो तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको बता देता हूँ, जो विक्रांत मैसे और ये दीपिका पादुकोण जी हैं, इनके बिल्कुल जो लेफ्ट में है ये है आलोक जी। और कितनी अच्छी बात है कि मतलब यंग एज के हैं और इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन वो चला रहे हैं, तो बहुत मतलब इंस्पायरिंग चीज़ है ये भी। बाकी मतलब काफ़ी सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आ चुके हैं, देख सकते हैं राजकुमार राव यहाँ पे आ चुके हैं, जाकिर खान जी आ चुके हैं, कल्की आ चुकी है यहाँ पे, जॉन अब्राहम है, दीपिका पादुकोण, संजय दत्त। यहाँ हमने अपना ब्लॉग का एंड कर रहे हैं, अब हम शिरोज से बाहर आ चुके हैं। तो अब वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यार वीडियो पूरी देखा करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो। अब हम अच्छा लगा यहाँ आके, हमें बहुत अच्छा लगा वाकई में, इनकी स्टोरी ना बहुत इंस्पायरिंग है। तो अब आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तो टेक केयर जटन ब्लॉग्स में, जटन ब्लॉग्स की तरफ से सबको लव यू एंड बाय।